अरे युवराज, भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? भाई वो ना, मैं यहाँ पर किसी से मिलने आया था। अरे किससे मिलने आया था भाई, हमें भी बता दे। यार अब तुम लोगों से क्या छुपाना, मैं ना यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। गर्लफ्रेंड से? लेकिन तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी ना, कभी स्कूल में तेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी ना कॉलेज में तेरी गर्लफ्रेंड थी, अब कैसे बन गई? हाँ नहीं थी, पर अब बन गई है। जब सही समय आता है ना तो सब कुछ हो आता है, और आज यहाँ पर मैं उसी से मिलने आया हूँ। देख एक बात बोलूँ, बुरा मत मानियो यार, मुझे नहीं लगता तेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है। हाँ पागल जरूर बन सकता है तेरा, अबे तू इतना सीधा है ना, तुझे कोई भी पागल बना सकता है। यार ऐसे क्यों बोल रहे हो, इतना अच्छा तो लड़का है, क्या कमी है इसमें? और मुझे पक्का पता है जो भी इसकी गर्लफ्रेंड होगी ना, ये उससे बहुत प्यार करता होगा। अरे विकास ठीक ही तो बोल रहा है, जब कॉलेज में थे ना तो कोई भी इसे पागल बनाकर चला जाता था, कोई भी इसके साथ प्रैंक करके चला जाता था। ऐसी बात नहीं है मुस्कान, हम लोग पिछले 6 महीने से साथ में हैं। तू उसे पिछले 6 महीने से डेट कर रहा है और तूने कभी मिलवाया भी नहीं हमें उससे। अरे तो क्या हो गया, आज मिल लेंगे ना। चलो आज मिल लेंगे। वैसे मैं भी आज उससे पहली बार ही मिल रहा हूँ। क्या सच में? हाँ। ओए वो 6 महीने से तेरी गर्लफ्रेंड है और तू आज उससे पहली बार मिल रहा है? क्या है ना कि ज्यादातर बात हमारी इंस्टा पर ही होती थी मैसेज पर, और कॉल पर बहुत कम ही बात हुई है, तो इसलिए कभी मिलना हुआ ही नहीं। चल ठीक है भाई, ले उसका फोटो तो दिखा दे, कैसी दिखती है वो? यार उसकी कोई फोटो भी नहीं है मेरे पास, उसकी फैमिली ये सब अलाउ नहीं करती ना, तो उसने कुछ फोटोज पोस्ट ही नहीं किए। अरे कम से कम वीडियो कॉल पर तो बात हुई होगी, यही बता दे दिखती कैसी है। मैंने कभी वीडियो कॉल पर भी बात नहीं की, उसने कहा था कि अगर देख लोगे तो मिलने की एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, तो बस इसलिए। सही है यार। अच्छा तो मुझे ये बता, कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया? अब क्या कहूँ यार, प्यार तो हो गया है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है ना, मुझे घबराहट हो रही है। अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, तू आराम से रिलैक्स कर, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वैसे उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई। देख ले भाई, कहीं तेरे को धोखा देके भाग तो नहीं गई? नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे प्यार करती है, धोखा देने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। तो फिर अभी तक आई क्यों नहीं? शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी। वेट कर लेते हैं ना गाइस। चलो भाई वेट कर लेते हैं, कुछ ऑर्डर करें तब तक। हाँ हाँ भाई, कहाँ रह गई वो? यार पता नहीं क्यों नहीं आई। वो नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है। मतलब? मतलब ये जो लड़की तुझसे पिछले 6 महीने से बात कर रही है ना, वो और कोई नहीं है, मुस्कान है। मुस्कान ही तुझसे बात कर रही थी और हम लोग पिछले 6 महीने से तेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। देख भाई मजाक मत कर, ये मजाक का टाइम नहीं है, बोल दे कि तू झूठ बोल रहा है। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना, एक काम कर, तेरे पास फोन है तू कॉल कर उसे। कर कॉल कर। हेलो बेबी। मैंने बोला था ना ये एक नंबर का भोंदू है, इसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। अरे पिछले 6 महीने से ये तुझसे बात कर रही थी, तुझे पता भी नहीं चला। तू बहुत सीधा है यार, सच में तुझे ऑनलाइन प्यार हो गया। विकास चुप रहोगे तुम? यार युवराज तू रो रहा है। ये सब तुम्हारे लिए मजाक है? तुम्हें रत्ती भर भी अंदाजा इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? तुम्हें पता है इस वक्त मेरे मन में कितना कुछ चल रहा है? पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लिया था मैंने। सोचा था कि पहली बार कोई मुझे पसंद करने लगा है, किसी को मुझसे प्यार हो गया है, और तुमने एक पल में सब कुछ बर्बाद कर दिया।
ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। युवराज मैंने तो बस मजाक में किया था। तुमने मजाक किया था मुस्कान, पर मैंने प्यार सच में किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से सच में प्यार करता था और उसने मुझे धोखा दे दिया है। तुम दोनों ना आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यार, भाई मजाक कर रहे थे यार, सॉरी यार। क्या किया तुम दोनों ने ये? अरे तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना, किसी को दुश्मन की जरूरत नहीं है। यार ये हम लोग तो बस प्रैंक कर रहे थे। 6-6 महीने कौन से प्रैंक चलते हैं विकास? और तुम्हें प्रैंक करने के लिए युवराज ही मिला था। तुम्हें पता है ना वो कितना साफ दिल का लड़का है, वो कितना सीधा है। कितनी बुरी तरह से तुमने उसको हर्ट किया है। सॉरी, तुम्हारे सॉरी से क्या होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों की वजह से शायद वो कभी किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगा। और आज के बाद तुम दोनों मुझसे भी कभी मत मिलना, मुझे नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। तू तो समझ कम से कम यार।